इस्लामिक इन दिस वीडियो आई विल शेयर फिश रेसिपी और साथ में जो है वो कुछ क्लीनिंग टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करके हम कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं आ रही होती हम उसको किसी दूसरी जगह पर यूज़ करके एक अच्छा बेनिफिट जो है वो उसे हासिल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम उसको वेस्ट करें सो लेट्स गेट स्टार्टड लास्ट वीडियो का पार्ट है जो कि मैंने फ़िश मैरिनेट की थी तो उसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी सिंपल जो फ़िश को मेरीनेट मेरीनेशन करने का जो मैरिनेट करने का जो सिम्पल तरीका होता है मसाला उसी के साथ जो है वो मैंने इसको मैरिनेट किया है नमक लाल मिर्च अदरक लहसुन और वट जो उसमें सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर कुटी लाल मिर्च लाल मिर्च, मिर्च गर्म मसाला और अजवाइन वगैरह डाल के हैं दैट और यहाँ पर मैं मसाला बनाने लगी हूँ फ़िश को जो है वो रात ही मैरिनेट करके रख दिया था और यहाँ पर मैंने प्याज़ वगैरह जो है वो थोड़े से मोटे ही काट लिए थे क्योंकि मैंने इनको कुकर के अंदर जो है ना वो गला लेना अच्छे तरीके से इसका जो है ना वो मसाला बनाना है बिल्कुल फ़ाइन मसाला बनाना है ताकि उसमें जो है ना वो अलग अलग प्याज टमाटर जो है ना वो नज़र ना आए क्योंकि अगर अलग अलग हुए थे ना तो हमारे घर में कोई खाएगा नहीं प्याज टमाटर डाल दिए हैं बाकी नमक लाल मिर्च गर्म मसाला और हल्दी वगैरह सब डाल के ना बस इसको कुकर थोड़ा सा पानी डाल के कुकर चला के रख देना दस मिनट में ये जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा एंड तेट से उसके बाद मैंने बैग्स वगैरह मैं अपने कपड़े डाल के रख दिए थे सर्दियों के निकाल लिए थे गर्मियों के रख दिए थे अच्छा यहाँ पर जब तक मसाला हो रहा है ना मेरे पास एक नील रिमोवर पड़ा था और मैंने यूट्यूब पर एक टिप देखी थी कि इससे जो है ना आप अपने घर के सारे स्विच बोर्ड अच्छे से साफ़ कर सकते हो नेल पॉलिश रिमूवर के साथ उसको कॉटन बट पे लगाओ और साफ़ करो ये ना गंदा हुआ तक अस्तगफिरुल्लाह तो इसको जो है इस बोर्ड को भी साफ करते हैं उसको भी साफ करते तो मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर लिक्विड में नहीं था लेकिन उसके जो पैड्स थे वो पड़े थे मेरे पास तो मैंने एक पैड निकाला और उसको जो है ना अब मैं बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से इसको वाइप ऑफ कर रही थी और बिलीव मी ये काफी अच्छे तरीके से जो है ना हो गया आ, ये जो थे ना पैड्स टाइप नेल रिमूवर होते हैं इसके ऊपर ना ज़्यादा क्वांटिटी लगी होती है ना कम लगी होती है तो इजीली जो है ना वो रिमूव हो गया अगर हम कोई लिक्विड बना के उसे करें तो वो स्विच बोर्ड से करंट लगने का खतरा भी होता है कि ज़्यादा पानी ना चला जाए तो इस तरह से अगर आप किसी कॉटन बर्ड के ऊपर लगा के कर लेना साफ़ तो वो काफ़ी ईज़िली साफ़ हो जाएगा तो ये मैंने लाइट बंद करके भी दिखा दिया था फ्लैश ऑफ करके भी तो काफ़ी अच्छे से जो है ना वो बोर्ड क्लीन हो गया था अब दूसरी टिप जो है ये दीवार साफ करने के लिए थी स्विच बोर्ड की गिर्द जो है ना वो दीवारें काफ़ी गंदी हो जाती हैं तो आ, दो चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा लिया दो चम्मच सर्फ़ लिया एंड दैट्स इट कपड़ा जो है ना वो थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का लेना या स्पॉन्ज ले लें मेरे पास ये शफोन भी नहीं है थोड़ा अकड़ा सा रेशमी टाइप और गेंजा टाइप का कपड़ा था इससे जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है देखने में लग रहा हुआ कि मैंने काफ़ी रगड़ रगड़ के साफ़ किए लेकिन मैंने बहुत हल्के हाथों से जो है ना ये स्विच बोर्ड के गिरद गिर्द फेरा था और जैसे जैसे मैं फेरती जा रही थी ईजीली जो है ना वो सारा वाइप ऑफ हो गया था सारा सारी मैल कुचैल जो थी ना ये साफ़ हो गई थी इवन उसके अलावा ये जो पेंसिल्स के निशान थे दीवारों के ऊपर तो इसको ऊपर भी मैंने कहा जो फेर के देखती हूँ इसके ऊपर भी जो मैंने फेरा तो वो भी सारा क्लीन हो गया था तो इस तरह से जो है ना वो घर की दीवारें सारी साफ़ हो सकती हैं देखें बिफोर एंड आफ्टर देख लें पहले कितना गंदा लग रहा था और दीवार भी और अब इतना साफ़ हो गया और दो मिनट भी नहीं लगे मुझे स्विच बोर्ड को और दीवार को जो है वो साफ करने से इस तरह छोटे छोटे टिप्स के साथ जो है ना वो हमारी क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है तो यहाँ पर ये जो प्याज टमाटर थे गल गए थे अब कुकर काफ़ी बड़ा था क्योंकि मछली बनानी थी तो फिर मैंने कहा नॉन स्टिक में बनाते हैं ताकि वो नीचे चिपके भी ना तो अब मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है क्योंकि नमक मिर्च वगैरह सब कुछ जो है वो पहले डाल दिया था हल्दी मैंने अब डाली क्योंकि हल्दी मैंने पहले डाली नहीं थी वो डब्बे में डालने वाली थी और ये फिश जो मैरिनेट की हुई थी रात को मैरिनेट करके रखी हुई थी तो उसको जो है अब निकाल लिए मसाला भी बस ऑलमोस्ट हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा दही इसमें डाल देना ताकि और बुनाई हो जाए थोड़ा सा ब्राउनिश करना है मसाले को तो बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करके ना इसको ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना कुक हो जाए अंदर से और बिल्कुल एक फाइन पेस्ट बन जाए उसके बाद जो है ना बस ये हो गया था और इसमें मछली डाल देनी है थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है कि अगर कोई पानी वगैरह मछली नहीं छोड़ा हो तो वो सारा जो है ना वो ड्राई हो जाए और इसको जो है ना वो अच्छे से कुक कर लेना है बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी थी उनका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आ गया था यहाँ पर बस अब इसको ना थोड़ी सी मीडियम आंच पे ना रख देना ताकि ये अच्छे से भुन जाए और फिर इसके बाद ना आंच थोड़ी सी कम करके ढक्कन दे के रख देना क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है और टूट ना जाए तो इसलिए हमने जो है ना अब इसकी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पानी को इसलिए पहले अच्छे से खुश कर लेना ताकि बाद में जब वो गल जाए तो फिर हमें पानी खुश करने के लिए बार बार चम्मच ना फेरना पड़े तो बस साथ ही जो है मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी और उतनी देर में जो है ना वो मच्छी अंदर से अच्छे तरीके से गल भी गई थी और उसका मसाला भी बन गया था और फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ जब मेरी रोटियाँ सारी कंप्लीट हो जाए और अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी काम इंसान भी फास्ट <laughs> फॉरवर्ड पे लग जाए ना और सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए तो बस फिर मज़ा ही आ जाए बस यहाँ पर रोटियाँ है जो हैं वो भी सारी बन गई थी तो अभी हम देखते हैं फिश को मछली यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बन गई थी यू कैन सी काफ़ी मज़े की लग रही थी देखिए मछली जो है ना टूट रही है अब तो इसलिए इसमें ज़्यादा चमचे नहीं फेरने हैं बस इसको जो है ना वो हल्के हाथों से आहिस्ता से हिला के इसको जो है वो ढक के अब रख देना है इधर नमक मिर्च शेक करवा रही थी मैं मम्मा को कह रही थी कि बिल्कुल परफेक्ट बना है तो बस अभी हमने इसको ढक के रख देना है ऊपर धनिया वगैरह डाल दें कि अभी थोड़े से ना मतलब खाना खाने में थोड़ी देर थी तो दम वाली आ कर के इसको रख दिया था ताकि वो अंदर से गर्म भी रहे और हमें दोबारा गर्म भी ना करनी पड़े और उसका जो और अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक हो जाए बस यहाँ पर हमारी मछली जो है वो फुली रेडी थी मिसिंग लग रहा था कुछ तो ऊपर धनिया डाल के उसकी जो है वो मैंने लुक्स निकाल दी थोड़ी सी और इसको जो है वो मैंने प्लेट आउट कर लिया डिश आउट जो भी होता है तो अपने फादर इन लॉ को देने लगी थी खाना खाने के लिए दोपहर का तो आई होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इसी यू सुन अला फीस <laughs>